चलो अब्दुल, एक जरूरी काम है। जी साईं। साईं, हम भी साथ चले? नहीं रंभा, तुम दोनों इनका ख्याल रखना, थोड़ी देर बाद इन्हें फिर से दूध पिला देना। मेरी अनुपस्थिति में यहां कोई आए तो उनका ख्याल रखना, समझ लेना मेरे खास मेहमान हैं। ठीक है साईं। क्या हुआ रम्मा, तुम परेशान क्यों हो? शनि मंदिर तो हम गए ही नहीं, सुना है ऐसे जाने की बात करके ना जाओ तो ईश्वर नाराज होते हैं। ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेता है, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। हमारे गुरु साईं हैं, उनका आदेश सारा खो फिर। हम जा कहां रहे हैं साईं? सलीम के घर। सलीम के घर? वहां सब खैरियत तो है ना? अब्दुल, क्या मैं खुशी में किसी के घर नहीं जा सकता हूँ? जा सकते हैं, लेकिन आज रेहाना आपा के हाथ का बना शीर खुरमा खाने का बड़ा मन कर रहा है। ओह, मैं तो बेकार में डर गया था। लेकिन साईं, आज ना ईद है ना और कोई बात, तो उनके घर शीर खुरमा बना भी होगा। अब्दुल, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है उसके घर हर दिन ईद होती है। साईं, कहाँ है साईं? आइए, यहाँ है द्वारका में। साईं, ये कौन है जो साईं को इतने निरादर से बुला रहे हैं? कहाँ है? हैं? पर रहता है वो साईं जी। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि पलकों पर बिठा के रखा है तुम लोगों ने। लेकिन साईं तो यहीं पे रहते। काका, आपका परिचय? तुमसे मतलब? चंदू भाव, ये कौन है? पता नहीं, मुझे तो सरफिरा लग रहा है, रास्ते में मिला और यहां लाने की जिद करने लगा। मेरे बारे में तुम लोगों की चर्चा खत्म हो गई हो तो कोई मुझे बताएगा कि साईं कहाँ है? काका, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कब तक आएगा?
थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उनका यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। मैं साई का इंतजार करूंगा? उल्टा उसे मेरे सत्कार स्वागत के लिए यहाँ होना चाहिए था। भेजो किसी को और बुलाओ उसे वापस अभी के अभी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं भिक्षा लेकर आती हूँ साईं। रेहाना, आज मैं किसी और कारण से आया हूँ। ये तो हमारा नसीब है साईं। अंदर आइए। आज हमारे घर के भाग जाग जाएंगे साईं, जो आपके पाक कदम हमारे आंगन में पड़ेंगे। शीर कुर्मा खाने का बड़ा मन कर रहा था और शिरडी में आपसे बेहतर शीर कुर्मा कोई नहीं बनाता है। अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद आए हैं साई, और वो भी शीर कुर्मा खाने के लिए। साई, आप नहीं भी कहते ना तो मैं अपने हाथ से बना के आपको शीर कुर्मा जरूर खिलाती, क्योंकि आपका हमारे घर आना हमारे लिए ईद से कम नहीं है साई। आइए सर। काका, आप यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि जहाँ पर आप गलती से बैठ गए हैं वो दरअसल साई की बैठक है। तो वहां साई के अलावा कोई नहीं बैठ सकता है। मैं तो बैठा हूँ और तब तक बैठा रहूंगा जब तक साई आकर मुझे उठने के लिए नहीं कहता है। ये क्या बात हुई काका? हम आपसे इतना सम्मान से बात कर रहे हैं और आप है कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब आपको कह दिया कि वहाँ साई बैठते हैं तो कह दिया, अब आपको वहाँ से उठना। मैंने भी कह दिया कि साई को बुलाओ, वो कहेगा तो मैं उठूंगा, वरना किसी की बात नहीं मानूंगा। लंबी यात्रा करके आया हूँ, भूखा हूँ, भोजन का प्रबंध करो। रंभा, साई ने कहा था कि उनका कोई भी मेहमान आया हमें उसकी अच्छी खातिरदारी करना है। इसमें भी जरूर साई की कोई लीला होगी। आप सही कह रहे हो, मैं अभी बनाती हूँ। सुनो, रंग का भोजन देना, मुझे अच्छा भोजन चाहिए, लेकिन यहाँ जो देख रहा हूं तो लगता नहीं कि ढंग का भोजन मिलेगा मुझे। लगता है साई भी मांग मांग कर खाता है, तो मुझे क्या खिलाएगा? इस दुनिया के चालक है मेरे साई, कुबेर है मेरे साई, सारी दुनिया को रोशनी देने की क्षमता रखते हैं मेरे साई। यहाँ आया हुआ कोई भी व्यक्ति आज तक खाली झोली लिए नहीं गया है। आपको कोई हक नहीं है साई के खिलाफ कुछ भी गलत कहने का। देवा बहु शांत, ये जैसे भी हैं हमारे साई के मेहमान हैं, और साई कहते हैं कि अतिथि ईश्वर का रूप होता है, हमें इनकी खातिरदारी करनी होगी, क्योंकि साई भी यही करते हैं। मेरा साई ये है, मेरा साई वो है,
तुम लोगों से बेहतर जानता हूं मैं साई को। तुम लोग क्या सिखाओगे मुझे है? बड़ा आया सिखाने वाला। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काका, साई को हर कोई अपने तरह से जानता है। आप थोड़ी देर रुकिए, हम खाने का इंतजाम करते हैं। चंदू काका जरा मेरी मदद करवा दीजिए। हाँ लोगों के यहाँ कोई बाहर से आता है तो उसका सिर्फ मुंह ताकते रहते हो, पानी वानी नहीं पिलाते हो? अभी लाया काका। आते भाव, ये है कौन, यहाँ क्यों आया है? स्वादिष्ट है। साई ने सही कहा था, इससे लजीज शिरकुरमा और कोई नहीं बना सकता। आज आपका इस तरह से अचानक आना आप समझ नहीं सकते हैं साई, मेरे और रेहाना के लिए कितनी खुशी की बात है। सलीम, जीवन में कभी भी कोई भी चीज अचानक नहीं होती है। हर बात में मालिक की मर्जी शामिल होती है। अगर आज मुझे शीर खुरमा खाने का इतना मन हुआ है तो इसके पीछे भी मालिक की कोई मर्जी जरूर छिपी होगी। सलीम भाईजान, घर पे हो? आमिर मियां, सलाम वालेकुम। आमिर भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, सब खैरियत तो है? बहुत थक गया हूं, अंदर चल के बात करें? हाँ आ जाओ, संभाल के। शुक्रिया। लेकिन आमिर भाई, आपको हुआ क्या है? कुछ तो गलती हुई होगी जिसके लिए अल्लाह ने मुझे ये सजा दी। चार साल हो गए सलीम भाई, गठिया के रोग ने जकड़ कर रखा है। हर एक इलाज किया लेकिन सब नीम हकीम निकले। अंग्रेजी डॉक्टर के पास भी गया था, दरगाह पे चद्दर भी चढ़ाई लेकिन दर्द जरा भी कम ना हुआ। आप तो जानते हैं सलीम भाई कि आंध्रे में अपना कितना बड़ा धंधा है। पूरे शहर में अपनी दुकान मशहूर है। अल्लाह ने पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन एक हाथ से पैसे दिया तो दूसरे हाथ से सेहत ले ली। अल्लाह पर भरोसा रखिए आमिर भाई, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन आमिर भाई, इस हालत में आप आंध्रे से इतनी दूर आए, कोई जरूरी काम था? ये सोच लीजिए कि अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश यहाँ ले आई है। बहुत लोगों से सुना है कि शिरडी में साई बाबा नाम के कोई औलिया रहते हैं जिनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता।
बस यही सोच के अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आया हूँ कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए तो शरीर की पीड़ा से छुटकारा मिल जाए, यही इच्छा है। सलीम भाई, आप तो जानते होंगे ना साईं बाबा को, आप एक कदम और चलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। भाईजान, क्या बात है, आप सब लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सही कहते हैं साई, जीवन में कोई भी चीज कभी भी अचानक नहीं होती, हर बात में मालिक की मर्जी शामिल होती है। मतलब? जिन साई बाबा से मिलने के लिए तुमने यहां तक का सफर तय किया है वो यही है तुम्हारे सामने। ठीक ही है, मेरी पसंद का नहीं है। इतना मिर्च मसाला, आज रात से मेरी पसंद का खाना बनना चाहिए, ध्यान रहे। साई, साई, साई कहाँ है? कहीं बाहर गए माधव काका। नमस्कार काका, आप साई से मिलने आए हैं? अरे कैसे बेवकूफों वाले सवाल करते हो आप लोग। साई का घर है तो साई को ही मिलने आऊंगा ना। साई के मेहमान है? मेहमान नहीं, मालिक हूं मैं इस द्वारका माई का मालिक। काका ये क्या बात हुई, हम आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं लेकिन आप खुद देखिए बेइज्जती कर रहे हैं आप हमारी। तो क्या आरती उतारूं तुम लोगों की? जब आया तब पानी तक नहीं पूछा, ये खाना ऐसा है कि गले से पेट तक जलन हो रही है, और तुम लोग मेरे घर में घुसकर मुझे मेहमान बना के तरह तरह के सवाल पूछ रहे हो। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये द्वारका माई साई का घर है। साई मेरा है, उसकी हर चीज पर मेरा अधिकार है, द्वारका माई पर भी। तुम में से किसी ने मुझे मेहमान कहा ना तो सबको यहां से निकाल दूंगा। कौन है ये? पता नहीं माधव काका, लेकिन जब से यहां आए हैं बस हुक्म पे हुक्म चला जा रहे हैं।
मैं आपसे मिलने इतनी दूर से आया हूँ और आप मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब मुझ में फिर से उम्मीद जाग चुकी है। पूरा बदन जकड़ गया है। इतनी तकलीफ सहने से अच्छा है कि जान निकल जाए। आमिर, जिंदगी के किसी भी दर्द का इलाज मौत नहीं है, इलाज है दर्द का सामना करना, उससे जीतना। अब तक मैं हिम्मत हार चुका था, लेकिन आज लग रहा है कि मैं लड़ सकता हूं, जीत भी सकता। यही हौसला जीत की तरफ पहला कदम है, और पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, इसके आगे सब आसान होगा। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई, ओ साई। इस तेल को सुबह शाम अपने घुटनों और जोड़ों पर लगाना। अब समझ में आया कि आज सुबह ये तेल आप क्यों बना रहे थे। आप जानते थे कि आमिर भाईजान आने वाले हैं, कहां रह गया ये साईं? माधव काका, आपको साई से कुछ काम था? हाँ, मैं अभी अभी बाहर गांव से लौटा हूँ, वहां से मैंने साई के लिए खास इत्र लाया है, मिट्टी का इत्र। रुकिए काका, मैं उठाता हूं। ताला लगाओगे? बंद करोगे ये जगह? मैं होने नहीं दूंगा। बाहर जाओ अभी का अभी, निकलो निकलो। हाँ
हम आपका सम्मान कर रहे हैं क्योंकि ये साई की द्वारका माई है, ये सबके लिए खुली है, सबका स्वागत है यहाँ। और आप यहाँ किसी को भी बाहर जाने के लिए नहीं कह सकते। या तो मेरे कहने में कमी रह गई है या तुम लोगों के सुनने समझने में। फिर से दोहराता हूँ, ये जगह साई की नहीं है, ये जगह मेरी है, क्योंकि वो साई भी मेरा है। देखिए आप काका, आप मेरे कारण गुस्सा मत कीजिए। आपको तकलीफ हो रही है तो मैं ही चला जाता हूं। क्या हटा, चलो हटाओ, जगह दो। अजय अभी तक आया क्यों नहीं है साई? ए! ये यहां क्यों पड़े? बाहर निकालो, फेंको इन्हें। साई नया लेकर आए, अकल नहीं है साई को? बाहर निकालो, फेंको इन्हें। आप बहुत ही अजीब इंसान है, आपको दिख नहीं रहा वो बच्चे अपनी माँ के साथ कितना खुश है? आपके मन में करुणा नहीं जाग रही है क्या? मैंने कहा बाहर फेंको इन्हें। नहीं, कभी नहीं। अब तक आपकी बातें मानकर गलती की, लेकिन अब नहीं। ये बेचारे किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, कितने सुकून से बड़े हुए हैं। इनका सुकून ही मेरी तकलीफ है। क्या मतलब? तुझे मतलब? मेरे घर में मुझसे ही सवाल, तुम इन्हें बाहर निकाल रही हो या मैं निकालूं? ये तो यही रहेंगे क्योंकि साईं का आदेश है और उनका आदेश मेरे लिए ईश्वर के आदेश के समान है। साईं के आदेश से मेरा आदेश ऊपर है। हाँ हाँ, बड़े आए, जानते तक नहीं है हम आपको, और आए आदेश चला ले। मैं भी देखती हूँ कौन निकालता ही नहीं यहाँ से। रंभा शांत हो जाओ, साईं की बात याद रखो। उन्होंने हमसे कहा था कि कोई भी है उसका ख्याल रखना। मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए। साई को ढूंढकर जल्दी बुलाना होगा, बस हम वही संभाल सकते हैं। तो तुम दोनों नहीं निकालोगे हैं? नहीं निकालोगे ना? ठीक है, मैं ही निकालता हूं। रुकिए, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं महाजिद्दी बन सकती हूँ। रुक, तू रुक। आने दे साई को, इन कुत्तों के साथ साथ तुझे भी बाहर निकलवा दूंगा मैं। आप है कौन, खुद को समझते क्या है? मैं साईं का सब कुछ हूं। आने दे साईं को, सब समझ जाओगी तुम।